हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जो रेसिपीज़। आज मैं एक राइस सैलड बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग रेसिपी को। मैंने यहाँ पर एक कप कुक्ड राइस लिया है। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे रेड और येलो कैप्सिकम को चॉप कर लिया है। मैं 1/4 कप यूज़ कर रही हूँ। 1/4 कप ही मैंने कैरेट है यूज़ कर रही हूँ और 1/4 कप ही मैं यहाँ पे अनियन यूज़ कर रही हूँ। मैंने कोई भी वेजी कुक नहीं किए है, ये अनकुक्ड है, बिकॉज़ आई लाइक इट दैट वे। मुझे क्रंच वेजीज का पसंद है, इस आप चाहें तो कैरेट को आप कुक कर सकते हैं। साथ ही मैंने आज चने की दाल बनाई थी, तो मैंने 2 टेबल स्पून के करीब इस दाल को निकाल लिया था, तो मैं इसमें वो यूज़ कर रही हूँ। ये जो चने की दाल है ये प्रोटीन का काम करेगी, और साथ ही सीज़न है मैंगोज़ का, तो 1/4 कप ही मैंगोज़ इसमें जाएगा। आप चाहें तो एप्पल, पाइनएप्पल या कोई भी अपना मनपसंद फ्रूट डाल सकते हैं। हम इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अब सीजनिंग के लिए मैं इसमें नमक डालूंगी स्वाद के अनुसार, और साथ में मैं थोड़ा सा टैंगी टेस्ट देने के लिए मैं इसमें लेमन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो सिरका, चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा सा इसको एक मिक्स देंगे और रेडी है हमारा राइस एंड वेजी सैलेड। तो आप प्लीज़ इसको बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।